वैदिक मंत्रों से गूंजा मेरठ शहर। 521 कुंडे जन चेतना महायज्ञ में लोगों ने दी आहुति। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत सव 2080 के शुभ आगमन की बेला पर बुधवार प्रातः शहर के जिमखाना मैदान में 521 कुंडे जन चेतना महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। गुरुकुल प्रभात आश्रम के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में 521 यज्ञ कुंडों पर 2084 जोड़ों ने वेद मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति प्रदान की। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के अलावा अनेकों स्कूल के बच्चे व आचार्यों ने सहभागिता की। गुरुकुल प्रभात आश्रम टिकरी के तत्वाधान में बुधवार को जिमखाना मैदान में 521 कुंडे जन चेतना महायज्ञ का आयोजन किया गया। मुख्य संयोजक राजेश सेठी ने बताया कि पिछले 26 वर्षों से गुरुकुल प्रभात आश्रम टिकरी के कुलाधिपति स्वामी विवेकानंद सरस्वती के ब्रह्मत्व में आयोजित यह कार्यक्रम जन सामान्य को वैदिक संस्कृति व भारतीय नववर्ष के स्वागत में जागरूक कर रहा है। इस आयोजन से जहां यजमानों को मानसिक व आध्यात्मिक उत्थान का अवसर प्राप्त होगा, वहीं वायुमंडल व पर्यावरण की शुद्धि भी होगी। यह आयोजन वैदिक नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2080 नव संवत्सर के अवसर पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। जन चेतना महायज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ शुद्ध गोघृत व औषधियों से आहुति प्रदान की गई। कार्यक्रम के प्रभारी अशोक सुधाकर ने बताया युवा पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य रूप से अजय गुप्ता, अरुण जिंदल, योगेश मोवार, सुशील बंसल, सुनील आर्य, आरपी सिंह चौधरी, दिनेश कक्कड़, चंद्रकांत, प्रियांक आचार्य, वाचस्पति जयप्रकाश, भानु बत्रा, देवेंद्र प्रताप तोमर, मनीष शर्मा, वसील चंद गोयल मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद, पंजाबी आर्य भ्रातृ सभा, हिंदू जागरण मंच, भारत स्वाभिमान संगठन, शांति कुंज, योग विज्ञान संस्थान संगठनों के अलावा मेरठ पब्लिक स्कूल ग्रुप, सत्यकाम इंटरनेशनल, डीएवी पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, तक्षशिला पब्लिक स्कूल, गुरुकुल बरनावा, कन्या गुरुकुल, नवलपुर, गुरुकुल राजघाट, नरोरा के आचार्य व छात्र शामिल हुए।